कि कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है इंडस्ट्री से, आपके फैमिली फ्रेंड से? काफी हाँ सरप्राइज है लोग, मतलब मेरी फैमिली तो डेफिनेटली सरप्राइज है कि मैं इस तरह की फिल्म कर रही हूँ, डांस कर रही हूँ, और कि हम दोनों शूट कर रहे हैं साथ में, साथ में शूट कर रहे हैं। हम बहुत पहले से दोस्त हैं, लेकिन पहली बार हम ऐसे मतलब साथ में पिक्चर में काम कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड है। सेम जो इन्होंने बोला, बिल्कुल सेम, क्योंकि एक नया एलिमेंट आता है जो दो लोग जो एक फिल्म या इस किस्म की फिल्म अगर हम नहीं करते नॉर्मली और अचानक उसमें साथ में देखें तो लोगों में थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है, ऐसा मैं मानना चाहूँगी, तो बहुत अच्छा रहा। मेरी भी फैमिली बहुत खुश है, उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला कि बहुत अच्छा लगा उनको, और नॉर्मल पब्लिक भी काफ़ी खुश है एक्चुअली में, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स। ये इनका डेब्यू है, ये हमारा मतलब अनोखी पुरुष है फिल्म में, अनोखा पुरुष है फिल्म में, तो वो बहुत एक्साइटिंग, अकेला पुरुष हूँ मैं। पहले ये बताएगा क्योंकि ए से अल्कोहलिक, बोलो। मैं ए से अल्कोहलिक हूँ, बी से बेवड़ा, सी से बता नहीं सकते हूँ टीवी पे। नहीं, अब मैं एक हाफ स्वीड और हाफ इंडियन प्ले कर रहा हूँ जो अल्कोहलिक है लेकिन आर्टिस्ट भी है, और वो इन दो लड़कियों को लेकिन आर्टिस्ट भी है। हाँ, लेकिन हाँ, उसका है एक क्वालिटी है कि वो है, हाँ, हम डाल देंगे हम फिल्म में, लेकिन बट इन दो लड़कियों को मिलता है और इन दोनों को बहुत अच्छे से समझता है और इनके दोस्त बन जाता है और इनका गाइड बन जाता है और इनका बाकी सब कुछ बन जाता है, हमदर्द बन जाता है, हम सफर हम नवा और हम साथ, अगेन आई फॉरगॉटन द क्वेश्चन, सवाल कह रहा है फिर से, हर बार यही हो रहा है मेरे साथ कि मेरे को सवाल भूल जाता है। तुम बादाम खाएगा किरदार, बादाम में रस वाला किरदार, हाँ, और वो मेरे जैसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ब्रूडी है और बहुत इंटेलिजेंट भी मेरे से ज्यादा है वो, तो बस इतना ही है किरदार मेरा। ब्रूडी है, बहुत ब्रूडी है, आई क्यूटी, यू आर ब्रूडी। रिचा का किरदार क्या है? मेरा किरदार बहुत ही सड़ियल और गुस्सैल लड़की का किरदार है और जो हमेशा दुखी रहती है, बिल्कुल रियल लाइफ बिल्कुल मैच करता है वो, सेम टू सेम मैं ऐसी हूँ। और रोज सुबह उठ के मतलब कभी कांच तोड़ना, कभी मतलब ऐसे काम करती हूँ। और फिल्म में कल्कि का जो किरदार है जिया, नया आने वाला जिया, और मैं तो हाँ। मैं वो मुझे जीना सिखाते हैं, इसलिए इसका नाम है जिया, जिया कि तू जिया तो क्या जिया जिया और जिया। हाँ जिया, मेरी जिया तो काफ़ी पागल है, काफ़ी फिल्टर नहीं करती है कुछ भी लाइफ में, जो भी दिमाग में आता है वो बोलती है, और अपॉर्चुनिटी है कुछ खराब करने के लिए या खराब नहीं मत यू नो लाइक टू तंग करने के लिए वो लेती है, खींचती है करती है, टेक हाँ खींचती है, छीनती है, वो अच्छे से हिंदी बात करती है मेरी जैसी नहीं, वो मुझसे ज़्यादा पागल है, तो इमेजिन इतनी पागल है, और हाँ वो इन द मोमेंट रहती है कि वो लाइफ को उसी वक्त जीना है, क्योंकि जो अभी मिलता है वही है हमारे पास, जैसे कि अभी हम हैं और हम साथ क्या क्यों, जैसे आपने कहा कि आप पहले से रिचा मैम को जानती हैं, तो कैसा था शूट, एक जर्नी कैसी रही जो आप लाइफ टाइम पूरे आपके साथ में रहेगी, ऐसा कोई इंसिडेंट, जैसे कि मैंने आपने सुना कि स्वीडन में आप एक आइस वाटर आपने सुना, हम पहली बार सुन रहे हैं, हम पहली बार सुन रहे हैं, उसके बाद वन टू थ्री गो यार, नहीं इट्स रिचाज टर्न टू रिचा, यू नेवर सेड दिस टू योर पॉडकास्ट, इवन आई हैव सेड इट ट्वाइस, रिचा मैम ने वो भी, यू नेवर सेड दिस टू योर पॉडकास्ट, ये मूड हो रहे हैं, आंख में चले जा रहे हैं आपके, जैसे ड्रिल में नहीं पीती जी, हम स्वीडन में एक ट्रीटमेंट है, ए चुप कर पीछे, दिवाली अभी तक नहीं हुआ, स्वीडन में ट्रीटमेंट है, लोग डिटॉक्स थेरेपी के लिए जाते हैं, तो पहले वो 50 डिग्री 60 डिग्री गर्म सौना में बैठते हैं, पूरा पसीना पसीना बिल्कुल जैसे ऐसे रोस्ट हो जाते हैं, फिर जाते हैं बाहर और ठंडे पानी बर्फीले पानी में कूदते हैं,
और ऐसा दो तीन बार करते हैं। कैसे सीख रही हो? बर्फ में कूदते हैं, बर्फीले पानी में कूदते हैं, तो उससे मतलब उनका बिल्कुल माइंड क्लीन हो जाता है। मुझे हमें लगता है वो ब्रेन फ्रीज था, पर बाकी वो लोग बोलते हैं बहुत डिटॉक्स और लाइट फील होता है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है। जैसा कि ये रोड ट्रिप के ऊपर मूवी है कहे, तो आप दोनों कैरेक्टर का नाम जिया और जिया है, तो रियल लाइफ में ऐसा कब हुआ है, क्या रियल नाम के आपके मिले स्कूल कॉलेजेस में? एक्चुअली कल की एक काफी अनकॉमन नेम है, तो एक्चुअली मुझे सिर्फ मैं जानती हूँ कि एक तमिल पोएट राइटर है जिसका नाम है कल्कि, और वो आदमी है, और वो आदमी है, मैं औरत हूँ। स्कूल या कॉलेज में ऐसा हुआ कि रिचा ऐसा आपका नाम लिया तो आप भी उठे और दूसरे कलीग भी आपका ऐसा? नहीं, कोई मेरा नाम काफ़ी कॉमन है, पर मेरी क्लास में कोई नहीं था काफ़ी समय तक, और कॉलेज में भी कोई मेरी क्लास में, स्कूल में शायद थोड़े वक्त के लिए एक रिचा और थी, बट एक्चुअली सेट्स पे बहुत कंफ्यूजन आया था। हाँ, जिया 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 वो जिया जिया नहीं वो नहीं ये जिया जिया ऐसा होता था। हाँ, और सीन भी है फिल्म में जहाँ पे कंफ्यूजन के बारे में बात करते हैं। हाँ, रोड ट्रिप की अगर बात करें तो अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में से अगर किसी को लेना हो या आपके फ्रेंड में से रोड ट्रिप में अगर लेके जाना हो तो किसको लेके जाना? अभी तो हम ही चलेंगे। बॉलीवुड किस के लोग? कोई भी एक्टर एक्ट्रेस, कोई भी ले सकता है, कोई भी। बोलो अब किसको लेके जाओगे? कोई भी, ये सारे लोग हैं, कैसे चुनेंगे हम, पता नहीं। मैं तो वापस इन दोनों के साथ ही चला जाऊंगा। अच्छा, इतनी डिप्लोमेटिक है। और क्या, आसान। इससे पहले तुम में से कोई बोल दे मैं बोल देता हूं। दोस्त है हम, एक साथ जाएंगे, हम साथ साथ ही जाएंगे दोबारा, हम किसी और को नहीं लेके जाएंगे, हम इसका पार्ट किसी को। ऑलरेडी मैंने रोड ट्रिप बहुत की है, ऑलरेडी ये जवानी में जिंदगी ना मिली तो मैं एक्सपीरियंस तो ऑलरेडी हुआ है जोया रणबीर और सबके साथ हुआ। तो कल की आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा मजा आपको किसके साथ आया? मेरी सबसे ज्यादा मजा आया रिचा चड्ढा और असलान को। सही जवाब, यही सही जवाब है, लॉक किया जाए। अच्छा सर, आपकी डेब्यू मूवी है तो क्या कैसा एक्सपीरियंस है रिचा मैम और काकी मैम, क्योंकि वो बहुत वर्सेटाइल एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, तो बताओ पोहे और रुकमे में क्या फर्क है? ये सवाल मत पूछो, ये दोनों को बहुत मजा आया मुझे इन दोनों के साथ काम करने में, और बहुत कमाल की एक्टर्स हैं दोनों और बहुत अच्छे इंसान हैं दोनों। वेरी गुड, और इन्होंने सब बोल रहा हूँ, ऐसे मत बोलो, पता चल जाएगा। तो बहुत मजा आया दोनों के साथ काम, बहुत सीखने को भी मिला दोनों से। एक्चुअली मेरे को अभी तक सीखता आ रहा हूँ इनसे, हर दिन सीखता आ रहा हूँ इन लोगों से। और क्या बोलूँ इन दोनों के बारे में, I love both of them, they're very sweet to me and they're very nice. पहले बता, अब बता दोसे और उत्तपम में क्या फर्क है? किसमें? दोसे और उत्तपम में क्या फर्क है? पोहा और उपमा का डिस्कशन चल रहा था। डोसा उत्तपम, वाह जी वाह, नहीं सॉरी, डोसा उत्तपम। अरे भाई ऐसा क्यों, ऐसा? और आप क्या? सी, आप पराठे हैं? मैं पराठा हूं। उत्तपम अभी तक हिंदी फिल्मों में एक भी रोड ट्रिप वाली फिल्म नहीं है जहाँ दो लड़कियाँ रोड ट्रिप पे जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम दिखा रहे हैं, क्योंकि होता है रियल लाइफ में लड़कियाँ ट्रिप पे जाते हैं। और रिचा और कल की एक फिल्म में एक साथ नहीं, ये बहुत बड़ी यूएसपी आपकी। ये तो हम नहीं बोल सकते। अच्छा, क्या तुमने तभी नहीं, तभी तुमने हाँ, अच्छा है, अच्छा हाँ, और स्वीडन भी का नई लोकेशन है वो, अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई। हाँ, और नया नया लड़का भी है हमारी अनोखा। हाँ, ये नया डेब्यूटेंट भी हमारी यूएसपी है। यस बिल्कुल, इसने हमें नहीं बोला ऐसा बोलने के लिए कैमरा पे। कैंडी है हमारी, हमेशा ही बोलती है। ओके, रोड ट्रिप की मूवी है तो कोई रोड सेफ्टी मेजर्स अगर देना चाहे कोई मैसेज लोगों को? रोड सेफ्टी बस आप पता चलना चाहिए कौन सी रोड साइड में आप ट्रैवल कर रहे हो। स्वीडन में राइट साइड में करना है, लेफ्ट साइड में नहीं करना है। मैंने बहुत मुश्किल से ये पता चल गया, मतलब सीख लिया वहाँ पे, तो प्लीज आप केयरफुली देख लीजिए कि राइट साइड ड्राइविंग कैसे होता है। ओके, लास्टली लोगों को क्या कहना चाहेंगे आपके मूवी के थ्रू? बिल्कुल, फिल्म का मैसेज यही है कि जिंदगी को पूरी तरह से जीना चाहिए, और ये इनका किरदार मुझे और इनको भी सिखाता है कुछ हद तक, तो
जो भी दिवाली के बाद थोड़ा डिप्रेस हो जाए कि अरे मैंने ज़्यादा मिठाई खा ली, वो हमारी फिल्म आके देख सकता है। जिसकी दिवाली अच्छी नहीं गई वो हमारी फिल्म आके देख सकता है, उसका मूड वापस अच्छा हो जाएगा। और अगर आप दिवाली कुछ अच्छी भी आ सकते हो, ऐसा नहीं हाँ, है कि दिवाली आप खुश हो तो नहीं आ सकते हो। हाँ, और भी खुशी मिलेगी। हाँ, और खुशी को छीनना चाहिए लाइफ में। नहीं, करेक्ट। हाँ हाँ, पिज्जा डिलीवरी नहीं। और दिवाली भी आ रही है तो लोगों को विश करना चाहेंगे आप बहुत दिवाली। दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, नॉट अंदर से दिखाइए सबको, आपके अंदर जो रोशनी है वो दिखाइए। थैंक यू मैम। थैंक यू। अच्छा था ना कि इसने गंदा किया। मैंने गंदा किया।